मैं हूँ शिल्पी और आपका शिल्पी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंचूरियन की रेसिपी, जिसे मैंने लेफ्ट ओवर राइस से बनाया है, यानी बचे हुए चावल से बनाया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और झटपट बन जाते हैं। चलिए बनाते हैं। ये देखिए मंचूरियन कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल रसगुल्ले की जैसे है। मैं इसे आपको काट कर दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से ये कट जा रहा है और बिल्कुल नहीं आपको पता चलेगा कि मैंने इसे बचे हुए चावल से बनाया है। मैं हर वीक आपके लिए एक नई डिश लेके आती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे देखते रहें। मेरे पास एक कटोरी बचे हुए चावल है, इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है मिक्सर ग्राइंडर में, बस एक से दो राउंड हमें पीस लेना, हल्का दरदरा हो जाएगा बस। साथ में हम सब्जियों में लेंगे बारीक कटे हुए बंद गोभी, साथ इसे हम पकौड़ियों में डालेंगे, साथ में बारीक लंबे कटे हुए बंद गोभी, साथ में फूल गोभी है और बीन्स है, ये तीनों हम पकौड़ों में डालेंगे। साथ में बारीक कटे हुए प्याज, बीन्स, प्याज और हरी मिर्च। मैंने सब्जियों को भी इसी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और चावल को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। मैंने मिक्सर ग्राइंडर में, देख सकती हैं आप, मैंने चावल किस तरह से दरदरा पीसा है और मैंने मिक्सर ग्राइंडर में फूल गोभी, बीन्स और बंद गोभी अच्छे से पीस लिया था। और साथ में मेरे पास सीजनिंग है, हर्ब्स करीब आधा चम्मच इसमें हम ले लेंगे और बारीक कटे हुए प्याज भी इसमें मैंने डाल लिया है। साथ में इसमें हम दही डालेंगे ताकि सॉफ्ट बने हमारा मंचूरियन। मैंने इसमें एक से दो चम्मच दही डाला है, साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल लें, साथ में कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हम इसमें बेसन डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। साथ में हम दो चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसमें हम सोया सॉस डालेंगे आधा चम्मच। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं, बिल्कुल मंचूरियन की जैसा ही बनता है। बस इसमें मैंने लेफ्ट ओवर राइस इसमें ऐड कर दिया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसे बचे हुए चावल से बनाया है। अब इसे मैंने मिक्स करके देख ले रही हूँ, ये अच्छे से बन रहा है, इसका गोल ये अच्छी तरह से बन रहा है। तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम सारे मंचूरियन को डाल देंगे। अगर स्टिकी अगर हो रहा है तो आप इस तरह से हाथ में पानी या हाथ में तेल लगा के इस तरह से गोल का शेप देके इसमें डाल सकती हैं, क्योंकि मैंने इसमें चावल डाला है इसलिए हल्का सा स्टिकी ये होगा। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे ताकि ये मंचूरियन अंदर से भी पक सके और क्रिस्पी हो। सारे मंचूरियन को इसी तरह से हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सारे मंचूरियन हमारे बनकर तैयार हो गए। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब सारे मंचूरियन को हम बाहर निकाल लेंगे। आप इस तरह से इसे पकौड़े के रूप में भी खा सकती हैं, लेकिन इसे मैं मंचूरियन बना रही हूँ इसका। चलिए अब इसकी हम ग्रेवी बना लेते हैं। मैंने पैन में दो चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए बंद गोभी डालेंगे, साथ में बारीक कटे हुए प्याज और बीन्स डालेंगे और हरी मिर्च। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ में मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने देंगे। हमारा मसाला भी भून चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे एक चम्मच के करीब, साथ में एक चम्मच हम रेड चिली सॉस डालेंगे। साथ में मैं इसमें सोया सॉस भी ऐड करूंगी। सोया सॉस हम कम ही डालेंगे। साथ में स्वाद अनुसार नमक डालें। ध्यान रखना है कि हमारे मंचूरियन में भी नमक है और सॉस में भी नमक होते हैं, तो ध्यान से ही डालें।
मेरे पास ये 2 चम्मच बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर हैं, अरारोट का पाउडर, इसमें हम पानी मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें, गुलटियाँ नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे इसमें हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये फिर बाद में गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इसमें कॉर्नस्टार्च डाला है, देख सकती हैं हमारे ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसमें हम सारे मंचूरियन हम इसमें ऐड कर देंगे। आप ग्रेवी में मंचूरियन डालने से पहले आप चेक कर सकती हैं इसका टेस्ट कि इसमें नमक कम है, तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं, या आप इसमें टोमेटो सॉस या चिली सॉस कम है तो आप उसमें भी ऐड कर सकती हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपका टेस्ट अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। हमारा लेफ्ट ओवर राइस मंचूरियन बनकर तैयार है और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है।